राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, भीष्म पितामह ने पांडवों को क्यों मारने के लिए कहा? क्योंकि विवश कर दिया दुर्योधन ने। हाँ। इसलिए कहा कि कल का युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। फिर उन्होंने भगवान ने आकर पक्ष लिया तो कहा कि वो भगवान, फिर पितामह का ही वो अंतिम युद्ध था। क्योंकि पांडव और कौरव दोनों समान थे ना। कैसे समान थे? दोनों मतलब उनके पोते ही थे ना दोनों। देखो उस रिश्ते से तो ठीक है। हाँ। लेकिन वो समान नहीं थे, एक धर्मी था एक अधर्मी था। धर्म अधर्म समान कैसे हो सकता? हाँ, तो वो धर्मी थे ना वो, तो पांडव तो पांडव धर्मात्मा थे। हाँ, तो उन्होंने लिए मार लेके बोला ना उन्होंने, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा। उनको वो त्रिकालज्ञ है पितामह, सब जानते हैं। अच्छा। तो वो कह दिया कि अब ये हमारा अंतिम युद्ध होगा, इसी बहाने वो मरे, इसी बहाने बाणों की सैया मिली। प्रतिज्ञा नहीं करते तो ये बाणों की सैया तक पहुँचते ही नहीं, महाभारत चलते ही रहता, कोई ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी कहना है कि जो स्वर्ग और नरक है क्या होता है, जैसे जिंदे आदमी तो जा नहीं सकते हैं, हमारे हुए आदमी आ नहीं सकते हैं। नहीं, जिंदा भी जा सकता है। कैसे जाएंगे? आप देखो, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ। हाँ? जर्नल वार्ड चले जाना, आपको नरक का दर्शन हो जाएगा। जी महाराज, यही नरक है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। यहाँ तो केवल टेलर है, बाकी फिर पूरी वीआईपी व्यवस्था ऊपर है। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। अरे लगाओ बेटा। गुरुजी मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाना चाहती हूँ। सुना दो, एक लाइन सुनाना दे, एक दो लाइन। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर, राम अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुदना। सुंदर। अब आप घर में रोज पाठ किया करो, अच्छी बात है कि आपको आता है, खुश रहिए। यहाँ चलो दो मैया को, फिर इनको देना माइक। आपको बात करनी थी किसको? हाथ उठा लो जिनको भी बात करनी है। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। जी मेरा सवाल है कि दिवाली तो भारत के सभी जगहों पर मनाई जाती है, लेकिन उसके छः दिन बाद ही महापर्व छठ आता है, तो वो यूपी बिहार और कुछ इलाकों में ही मनाया जाता है, ऐसा क्यों, उसका प्रचार इतना क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, प्रचार तो है, सब छठ पर्व जानते हैं, पर इतना कठिन है ना वो व्रत, कि वो व्रत सबके बस का नहीं है। वो तो भाग्यशाली हैं जो लोग छठ व्रत करते हैं, बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है, इसलिए सब लोग नहीं करते। कहीं कहीं मान्यता ज़्यादा है, कहीं कहीं लोग नहीं समझते उस विषय को, और उसके बदले में दूसरे व्रत कर लेते हैं। और गुरु जी दूसरा प्रश्न यह है कि छठ में सभी में तो उगते सूरज को पूजा की जाती है, लेकिन इसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ क्यों दिया जाता है? दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठ में, दोनों दिया सूर्य। हाँ, सूर्य उगते सूर्य को भी दिया जाता है और डूबते सूर्य को भी दिया जाता है। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या होती है ना, हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों, सुबह दोपहर शाम तीन टाइम अर्घ देने का विधान है। संध्या में शाम को भी अर्घ दिया जाता है, सुबह भी और दोपहर को भी। छठ में तो दो टाइम अर्घ दिया जाता है। हाँ, छठ में दो बार मतलब देने का विधान है, शास्त्रोक्त है, वो सुबह भी दे सकते हैं शाम को भी। और किसी त्योहारों में तो दो बार अर्घ नहीं दिया जाता? दिया जाता है, वही तो हम बता रहे हैं आपको। हिंदू परंपराओं में दो बार अर्घ देने का विधान है। राधे राधे गुरु। तीन बार है बल्कि, सुबह दोपहर शाम।